नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम कोडिंग एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज क्या हम स्पेशल वीडियो आपके लिए लाए हैं दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म कोडिंग एक्सपर्ट पर। जैसा आप सभी को पता है कि हम बेसिकली आपके लिए इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी कोर्स के। दोस्तों, उसी सीरियल में, उसी क्रम में आज का हमारी बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे हाउ टू क्रैक IA2023 मतलब 2023 कैसे हम IA के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक सरकारी नौकरी हम पा सकते हैं, IA की इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं, कैसे आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से कनेक्ट हो, क्योंकि लोग जितने लोग आप हमसे कनेक्ट होंगे दोस्तों, आप लोगों का जितना प्यार हमें मिलेगा, हम उतनी ज्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो परफॉर्मेंस है, जो रिजल्ट, जो क्वेश्चन है, जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल वो देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेट्स कम ऑन टू पॉइंट, सीधे पॉइंट पे आते हैं और आज का जो वीडियो जो डिस्कशन अपन कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो का जो उद्देश्य है वो है हाउ टू सक्सेस या हाउ टू क्रैक आई एग्जाम, आई एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त करें या आई एग्जाम कैसे पास करें। तो आज का जो वीडियो वो चलेगा हमारा आई ए में सफलता पाने का सूत्र। आईए में सफलता पाने का सूत्र, आईए में कैसे सफलता पाया जाए, कैसे सक्सेस किया जाए, कैसे अपने सपनों को, सरकारी नौकरी का जो सपना है उसको साकार किया जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आईए की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आईए के अंदर, आपने सभी को पता है कि जो ये आईए की जो वैकेंसी निकली है दोस्तों, ये बेसिकली जो है इसके लिए जो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन दी है वो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोई क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिन लोगों ने कुछ डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए ये वैकेंसी निकली है। तो मोस्ट ऑफ दिस वैकेंसी की यदि मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ दिस जो चांसेस होंगे इसके अंदर जो कैंडिडेट होंगे वो या तो इंजीनियर बैकग्राउंड से होंगे, जो कंप्यूटर के होंगे, जो जो ज़्यादातर इसमें जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इंजीनियर बैकग्राउंड से यहाँ पे आएंगे, कुछ बीसीए और अदर दूसरे भी बैकग्राउंड से भी स्टूडेंट आएंगे दोस्तों, बट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर बैकग्राउंड से। इसमें भी इंजीनियर बैकग्राउंड से जो आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कुछ तो नए स्टूडेंट्स होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, कुछ जो होंगे वो जॉब वाले स्टूडेंट होंगे, मतलब जॉब वाले कैंडिडेट होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और कुछ एक नए जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे वो होंगे, कुछ काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो होंगे दोस्तों। ये इस तरीके के कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि इस एग्जाम का मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अब जो आईएसएसएमबी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, डे बाई डे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो सिलेबस देते हैं उससे भी बहुत आउटसाइड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यदि आप सिंपल यदि इस चीज को माइंड में सेटअप कर रखें कि हमें सिलेबस का ही कंटेंट पढ़ना है, तो वो एक थोड़ा सा माइंड अपना चेंज कर लीजिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, सिलेबस का तो कंटेंट पढ़ना ही है, बट उसके आउटसाइड से जहां से भी आपको कंटेंट और मिलता है उससे रिलेटेड वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम हमने बेसिक कंप्यूटर सेक्टर और सीनियर कंप्यूटर सेक्टर में देखा कि क्वेश्चंस कहीं से भी क्या है, तो टेक्निकल पार्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर आज की जो क्लास देखेंगे हम बात करेंगे कि जो आईए के अंदर जो है, तो आईए के अंदर जो मेन जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा दोस्तों, कि कैसे हम जो ये एग्जाम है इसको क्रैक किया जाए। तो आईए के इस पार्ट में हम देखते हैं कि जो आईए का जो एग्जाम है इसके सिलेबस की हम सबसे बात करते हैं कि पास होने के लिए आपको क्या करती है, कंटेंट उस तरीके का पढ़ना है कि किस तरीके से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो सके। तो इस आईए के सिलेबस को हमने दो पार्ट में बांटा है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में जो है आपका वो है जीके, रीजनिंग, और मैथ, ये तीन सब्जेक्ट इसमें हैं। और पार्ट टू की मैं बात करूं तो आपका जो पार्ट टू है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, मतलब टेक्निकल पेपर होगा पार्ट टू कंप्यूटर। इसके अलावा भी इसके अंदर जो लोग कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उसको एक टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश का। वो टाइपिंग टेस्ट आपको प्री क्वालिफिकेशन के लिए होगा, मतलब क्वालिफाइड करने के लिए ही होगा,
वहां टाइपिंग टेस्ट के नंबर आप इसमें कोई भी ऐड आपके एग्जाम में नहीं होंगे, आपकी जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न एग्जाम से ही बनेगी दोस्तों। तो आपको जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग है वो बस इतना होना चाहिए कि आप उसको क्वालिफाई कर सको। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसकी तैयारी की जाए ताकि ये एग्जाम सभी लोग क्रैक कर सके, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट जॉब करने वाला कोई और कोई कैंडिडेट हो, या और कोई जो करना चाहते हैं। और इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि यदि जो लोग दिल से और ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है दोस्तों कि आप इस एग्जाम में सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है। तो पर सिलेक्शन होने के लिए आपको चाहिए कि किस तरीके से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करोगे, किस तरीके से क्या करोगे, कैसे क्या क्या टॉपिक किस टाइम टाइम तक पढ़ना चाहिए, उसी के बारे में आज की हम ये क्लास अरेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ तक कि पूरे पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। आप सबको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे वो कितने बनेंगे, 150 क्वेश्चन के लगभग यहाँ पे बनेंगे दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि इसमें से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो लगभग कितने बनने वाले हैं, 150 क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। उस 150 क्वेश्चन को यदि मैं प्रीवियस एग्जाम के अकॉर्डिंग देखूँ तो उसमें से करीब 60-70% क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन मतलब करीब आपके 90 से 100 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के आएंगे और 30% मतलब आपके 50 से 60 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के आएंगे। ये हमने जो देखा था वो प्रीवियस ईयर के पेपर से अकॉर्डिंग अजम्पशन किया है, बट ऐसा कहीं आरएसएसएमबी ने नहीं दिया है कि कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आएंगे, बट जितने पेपर अभी तक आरएसएसएमबी ने करवाए प्रीवियस पेपर के उसके अकॉर्डिंग हमने ये रेशियो निकाला। एक और चीज मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है, बट बाद में आरएसएसएमबी ने इसमें क्लियर किया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप ये चीज माइंड में पहले से तैयार रखना कि नेगेटिव मार्किंग है पेपर, क्योंकि आरएसएसएमबी कभी भी नोटिस जारी करके इसके बारे में और बता सकता है कि हाँ दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग दे। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग इसमें तैयारी करेंगे। दूसरा, इसमें आपको क्वालिफाई होने के लिए 40% जरूरी है, ये पहले इसमें आपकी बार एग्जाम में क्लियर करा कर दिया गया है कि 40% मार्क्स लाना जरूरी है। इन केस यदि 40% में इनको कैंडिडेट नहीं मिलते आरएसएसएमबी को, तो उसके पास 3% का आपको 3% तक का देने का ग्रेस पीरियड रहेगा कि 3% इसमें वो दे सकता है कि आरएसएसएमबी ने पहले से। तो अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 90% टेक्निकल वाले होंगे, 50% नॉन टेक्निकल वाले। अब कंप्यूटर से फिर से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बार ये जो पोर्शन है 90% वाला क्वेश्चन, 70% वाला, ये थोड़ा उनके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ते हुए आ रहे हैं चीजों को। और बट उनके लिए जो नॉन टेक्निकल वाले पेपर है ये उनके लिए क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा दोस्तों। बट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए उनके अंदर सपोजिट हो जाएगा कि उनके लिए ये जो नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन है वो इजी होंगे और नाइट ये 90% क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो थोड़ा सा टफ हो सकता है दोस्तों। तो अब ये कैसे क्रैक किया जाए एग्जाम के बारे में, तो देखो दोस्तों मैं अज्यूम करता हूँ कि आप 10 मार्च से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 मार्च, क्योंकि आपके पास अभी लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है। अभी जो इसका एग्जाम होगा वो होगा आपके अकॉर्डिंग जुलाई के अंदर, और जुलाई में आप ऐसे सोच रहे हो कि जुलाई तक तो अब तो बहुत टाइम है, जुलाई में तो हम कर लेंगे जब तक। तो इस गलत फहमी में मत रहिए दोस्तों, आपको तैयारी आज से अभी से डेडिकेटेड तरीके से लगना है, तभी जाके आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। जो लोग ये सोच रहे हैं कि जुलाई में पेपर है और आगे बढ़ सकता है, तो वो सब अजम्पशन से उनको सबको छोड़िए और फोकस भी अभी से कर लीजिए ताकि जुलाई तक आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो सिलेक्शन निश्चित होने के लिए मैं बताता हूँ कि यदि मैं काउंट करता हूँ, मैं 10 मार्च से काउंट करता हूँ, कब से काउंट करता हूँ, 10 मार्च से। अब 10 मार्च से लेके आप सपोज कीजिए कि 10 जुलाई तक यहां तक आपका एग्जाम हो जाता है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 मंथ आपको मिलते हैं दोस्तों। कितने महीने मिलते हैं, 5 महीने यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप इन 5 महीने में डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करेंगे तो मैं चीज की चोरती है कि आपका सिलेक्शन कहीं कहीं तो हो ही जाएगा, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बट इस 5 मंथ में जो आपको उसके टाइम मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। यदि हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, 5 मंथ की बात करते हैं, मतलब 150 दिन की मैं बात करूं, कितने दिन की बात करूं, 150 डेज आपको टोटल इसमें मिलने वाले हैं, 150 डेज आपको टोटल इसमें मिलने वाले हैं, 150 डेज आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो अब इन 150 डेज का मैनेज कैसे किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब इसमें 150 डेज में भी आपको पता है दोस्तों कि 150 डेज में पूरे के पूरे जो डेज है वो आप कभी भी इसमें यूज नहीं कर सकते हो। क्यों, इन 150 डेज के अंदर आप सपोज कीजिए कि आपके जो मैं मानता हूँ 60 दिन तो सोने सोने में चल जाएंगे दोस्तों, ये 60 दिन डेज तो आपके सोने में ही गए। आपके पास 90 दिन बचते हैं, मतलब 3 महीने। इन 3 महीनों में से भी आपके पास हो गए, किसी के पास कोई काम आ जाएगा और कुछ
इशूज हो जाएंगे, केस वो क्या है, ये सारे 90 डेज में ही होंगे सारे, शादियां भी है और भी स्टार्ट होंगे। तो आपके पास यदि टाइम की मैं बात करूं, आपके पास टोटल 3 महीने, और 3 महीने के हिसाब से यदि मैं बात करूं कि आपको बेसिकली आप यदि 5 घंटे 5 आवर्स ईमानदारी से आप पढ़ोगे, चाहे कोई भी, बट ईमानदारी से आप 90 दिन पढ़ोगे, 5 × 90 90 दिन 450 घंटे, ये 450 घंटे लगातार मतलब आपको पढ़ने पड़ेंगे। इतनी मोटा मोटा आपकी माननी कि 450 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इन 5 से 6 घंटों में कैसे पढ़ना है, सबसे मेन तो है कि कंटेंट क्या कंटेंट पढ़ना। आप कंफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम है जब हम देखते हैं, और टाइम कंटेंट हमारे पास ज्यादा रहता है, हम कैसे सही कंटेंट को पढ़े और कितना पढ़े, यह मेजर पॉइंट है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप 5 घंटे में से 2 घंटे आप पढ़िए आपके टेक्निकल पेपर को, कंप्यूटर के पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा आने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में 5 to 8 के बाद में आप यदि बात करते हैं 1 आवर, 1 आवर आप पढ़ो मैथ और रीजनिंग, और 1 आवर पढ़ो आप जीके, यहाँ इसको भी आप 2 आवर्स ले सकते हैं, ज्यादा बेटर होगा कि 2 घंटे मैथ, 2 घंटे कंप्यूटर, और 2 घंटे मैथ एंड आपकी जो भी रीजनिंग है वो 1 घंटे सीखे। यहाँ आप ये कर सकते हो कि 2 घंटे इसको नहीं पढ़ के 1.5 घंटे इसको कर लो और 2.5 घंटे इसको कर लो। तो टेक्निकल वाला पार्ट 2.5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और ईमानदारी से मैथ वाला पार्ट 1.5 घंटे आपको मैथ रीजनिंग का पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों, और जीके का राजस्थान जीके का 1 घंटा पढ़िए। ये फिक्स शेड्यूल बना लीजिए कि आपको सुबह या शाम जब भी हो जब ये पढ़ना है, ठीक है। तो अब यदि मैं बात करूं कि कैसे इसको डिजाइन करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, तो हमारा जो चैनल है कोडिंग एक्सपर्ट दोस्तों, हमारा जो चैनल है कोडिंग एक्सपर्ट, वो आपके लिए लाया है ये सारे क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों के टास्क हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, कि कंटेंट भी है, नोट्स भी है, वीडियोज भी है, तो आप उससे पढ़िए दोस्तों। उनसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट टाइम में भी बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कंप्यूटर सेक्टर के अंदर आए थे, और अभी भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे इन चीजों को मैनेज करना है आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो है पेपर आपके जो है, कहने का मतलब जो पेपर आप जुलाई में डिसाइड कर रहे हो, तो उस बीच में से आपको इतना ही टाइम मिल रहा है जितना मैंने बताया, तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे आपको रोज पर डे इसमें देने ही होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा, कहने का उसको भी हमने डिवाइड किया कि 2-2.5 घंटे आप कंप्यूटर पढ़िए, 1 घंटे 2 घंटे मैथ रीजनिंग पढ़िए, 1 घंटे जीके पढ़िए, ये पढ़िए, ये कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और अपने टेस्ट मॉक टेस्ट आप अवेलेबल कराते रहिए और देते रहिए, ताकि आपको अपने जो कितना आपने किया उसके बारे में आपको पता चल सकता है। ये तो गया टेक्निकल पार्ट। अब हम बोल रहे थे कि नॉन टेक्निकल पार्ट है जिसके अंदर 50 से 60 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन टेक्निकल पार्ट, उसको जो आप दे रहे हो 2 घंटे और 1 घंटे ये देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इस टोटल वीडियो के अंदर जो मेनली फोकस था वो हमारा यही था कि आपको किस तरीके से तैयारी करें, तैयारी के कंटेंट आपको कोडिंग expert.com पे ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे, जो वीडियोस हैं वो भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे मॉक टेस्ट के, प्लस आपको क्वेश्चंस के अलावा जो है नोट और ये सारी चीजें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, और कहीं दूसरी जगह मत जाइए, कई बार जो स्टूडेंट्स है वो नोट और ये सब इकट्ठे करते रहते हैं पर पढ़ते कहीं नहीं है, ठीक है। तो वो चीज को आप भूल जाइए कि एक बार के लिए 6 मंथ में सब चीजों को अपने माइंड से रिमूव कर दिया है, और मेरा फोकस खाली एक ही है, मेरे को जॉब पाना है, IELTS की पक्की करनी है, और वो भी किसकी हेल्प से, कोडिंग एक्सपर्ट की हेल्प से, कोडिंग एक्सपर्ट की हेल्प से आपको IELTS कंफर्म करनी ही करनी है दोस्तों। तो ये IE के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिकली IE के अंदर हमने बताया कि इन 150 डेज के अंदर आपको केवल 90 डेज मिलते हैं, तो 5 से 6 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो, और आपने 90 दिन पढ़ा, 450 घंटे आप पढ़ रहे। इसके साथ साथ आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को क्या क्या पढ़ना है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो सब्जेक्ट है वो आप कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट होगा उसको 2.5 घंटे के आसपास पढ़िए पर डे, और बाकी 2.5 घंटे आप मैथ रीजनिंग और जीके वाला पोर्शन कीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट पार्ट बनते हैं, उसको 3 घंटे कर सकते हो, उसको 2 घंटे भी कर सकते हो, यदि 6 घंटे आप पढ़ोगे तो वो बहुत ही बेस्ट है कि 5 से 6 घंटे आप पढ़ोगे। मॉक पेपर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक पेपर कॉल कीजिए, अपने आप को देखिए कि आपने कितनी जो है वो तैयारी की, प्रिपरेशन है। तो हम इसके लिए भी हम आपको ऑलरेडी मॉक पेपर अवेलेबल करवा रहे हैं, हमारे चैनल पे जाके देखेंगे आपको मॉक पेपर मिलेंगे दोस्तों।
ये एक बेसिक था कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनके लिए ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कम टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि यदि आपका कंटेंट एक्यूरेट होगा, आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको सिलेक्शन होने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों लग जाइए जोर शोर से अपने तैयारी के अंदर, अब 3-4 महीने हर चीज को भूल जाइए, केवल माइंड में एक ही चीज होनी चाहिए, हमें आईएमएस सिलेक्शन करना ही करना है, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बात करेंगे हम अगले वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।